या पागल जैसा करिए, लोग देख रहे हैं, चलते हैं, लोग देख रहे हैं, उनको देखने दो। अपन बात कर रहे हैं, सीक्रेटली बात कर रहे हैं, अपन किसी को बता नहीं रहे कि अपने बीच में क्या बात हो रही है। तुम बताओ राजी हो या नहीं हो, बता किस चीज में, बेबी प्लान करने में? नहीं मतलब कराओ, फाइनल डिसीजन बताओ अपना क्या है। मैं इस लाइफ में अपना बेबी लाना चाहती हूँ और मुझे बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बात कर। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और हद से ज्यादा कॉमेडी भी होने वाली है। बल्कि आप लोगों को पता है, वीर सम्राट ने मेरे पे एक प्रैंक किया था बेबी वाला, आज उसका रिवेंज आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना गंदा होएगा। आप लोग शायद हंस के पागल भी हो जाओ, कॉमेडी भी हो जाएगी इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा। लेकिन आज वीर सम्राट के पता नहीं कितने गंदे रिएक्शन हो गए। आप लोग जाओ वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सम्राट आ चुका है, आ गया। क्या कमला, तुम सुधरोगे नहीं क्या कभी? हाँ वैसे ही तुम्हारे ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आ जाएगी तो तुम सुधर ही जाओगे। क्यों, कौन सी जिम्मेदारी आ गई? अरे तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिक आज आगे कैसे जा रही है उसको भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा। हाँ अच्छा हुआ है, तू क्या कर रही है? मैं, हाँ मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती है बोल तू? क्या खूबसूरत लग रही है? मैं तो हमेशा ही लगती हूँ, लेकिन तेरे से ज्यादा मैं खूबसूरत लग रहा हूँ। तू ज्यादा इतरा मत, तो ज्यादा कर रही है, ज्यादा चिपका चिपकी नहीं। यार बेबी, आज अपन आज टाइम स्पेंड करते हैं ना एक साथ। कहीं बोल रही, टाइम स्पेंड करते हैं ना एक साथ। धीरे धीरे बोल, केटू टाइम स्पेंड करते हैं ना एक साथ। स्पेंड ओके हुआ है, मतलब वक्त बिताते एक दूसरे के साथ। अच्छा, जरूरी है अपने फ्यूचर को लेके। अच्छा हाँ, क्यों ऐसा? क्या मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपने फ्यूचर को लेके। अपनी लाइफ तभी आगे बढ़ेगी जब अपन फ्यूचर में कोई कदम उठाएंगे। कई कदम उठा पा रही तू? समझो अपन कोई कदम उठाएंगे तो। अच्छा हाँ, तो रोज पैदल पैदल चल पाया कर, तो वो एक कदम का 100 कदम उठानी आई। अरे वो कदम नहीं कह रही मैं, तो फिर मैं कह रही थी उस दिन तुम कह रहे थे कि बेबी मेरे को एक बेबी चाहिए, तो एक के ऊपर चार बच्चे एक साथ पैदा कर लेते हैं या फिर दो एक साथ पैदा करते हैं। अगर मेरे पेट में एक बच्चा हुआ तो मेरा पेट थोड़ा सा ही फूलेगा, मेरे पेट में दो बच्चे होंगे तो आराम से। कैसी बातें कर रही है? क्यों हाँ, बच्चा चाहिए वो, चल का चल घर पे। कई घर पे? घर पे चलो मेरे। क्यों बेबी करते? कोई बेबी एक दिन में थोड़ी हो, चल हट। अरे नहीं होगा, लेकिन चलो तो सही। नहीं फालतू बकवास। या बेबी देख, मेरे को बेबी चाहिए, बात करते हैं। मेरे को फ्यूचर में आगे बढ़ना, बात खत्म है। जब तक अपना कोई बेबी नहीं होगा, जब तक तुम्हें कोई पापा कहने वाला भी तो होना चाहिए और मुझे भी बोलना चाहिए मेरी प्यारी सोनिया मम्मी, और तुम्हें बोलने का मेरे वीर पापा। कितना सोचो कितना अमेजिंग होगा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे ऊपर जाएगा। वाह वाह वाह, सपने देखिए तो बिल्कुल क्यूट सा। क्या बोले तुमने? बच्चों के सपने देख। बच्चों के सपने क्यों, और क्या था? एक औलाद तुम्हें पाल रही हो, वो कम है क्या? तो कैसी बातें करिए, तेरे को चार बच्चे चाहिए? दो बच्चे हो जाएंगे वही काफी है। चल हट, चल। क्या चल? चलो कहाँ चलो? जहाँ चलना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, चलो मेरी बात मानो, इस चीज को इनकार नहीं करते हैं। अच्छा उस दिन मैंने बोला तो? वो तो तुम्हें बाद में मुझे पता ही था। ये बात तो मेरे को रूम पे भी बोल सकती थी। रूम पे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये बात पर्सनली की जाती है। अभी रूम पे करती तो ये पर्सनली यहाँ पे पब्लिक प्लेस में बोल रही थी जाके। अरे तो कोई देख तो ना रहा है, अपन खुद ही लोग काम कर रहे, सुन रहे हैं क्या? मैं क्या चिल्ला के बोल रही हूँ क्या कि हमें बच्चा चाहिए दोनों को, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, ऐसा कोई तो ना कह रही हूँ मैं? चलो ना यार बेबी प्लान करते हैं, ऐसे क्या करो? मुझे नहीं पता मुझे बेबी चाहिए और अपन मुझे नहीं पता, तुम चलो बस। अपन दो बेबी एक साथ पैदा करेंगे यार, कितनी लेडीज को देखा है मैंने, वो एक साथ दो बेबी पैदा करती है, कभी जुड़वा होते हैं, कभी किस्मत वालों को मिलते हैं। तो अपन भी किस्मत वाले होंगे तो अपने भी। फालतू बकवास कर रही है यार, तो कितना शर्मा रहा है, तो शर्मा रहा, इसका मतलब यही है कि हां तो चाहता है। तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मेरी लुगाई नहीं है, ठीक है ना? और क्या बोला? उससे पहले बच्चे हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या तू सब मेरे साथ लिविंग में रह रही है, ठीक है यार? तो क्या हो गया, लिविंग में रह रहे तो लिविंग में बेबी छोड़ दे, लिविंग में एक बेबी भी पैदा कर लेंगे तो अपना बेबी भी अपने साथ लिविंग में रहेगा। उसको कभी तुम रखोगे, कभी मैं रखूंगी, क्या है? उसको कभी पापा का प्यार चाहिए तो वो पापा के पास रहेगा, उसको कभी अपने मम्मी का प्यार चाहिए तो अपनी मम्मी के पास रहेगा। तुम खुद सोचो ना, इधर तो देखो, सोचो ना एक बार। मेरे को मेरे को नहीं जीनी है फॉरेनर वाली जिंदगी, अंग्रेजी वाली, ठीक है? हाँ, ज्यादा अंग्रेजी बन रही है क्या? देखो मुझे नहीं पता बेबी की बात खत्म। कौन सा सीरियल देखा रात को? कोई नहीं देखा, चल तू मेरे साथ। क्या चल, अपन बेबी प्लान करते हैं। चल लेके चला आज तो। चलेगा? नहीं तू लेके चल पहले। अरे अभी पहले बात तो कर लेते हैं फ्यूचर को लेके। अगर लड़की हो गई तो उसका नाम क्या रखेंगे? क्या बोला ये? नाम रख भी गा। ये क्या पागल है क्या तू? ऐसे को नाम रखते हैं क्या तो? पागल हो तुम? चलो तुम तो मेरी बात सुनो, तुम भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए, लड़की या पहले लड़की चाहिए पहले लड़का चाहिए।
तो कैसी बातें कर रही है यार? मैं कैसी बातें कर रही हूँ पागल जैसी बातें? मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। तुम्हें पहले लड़की चाहिए लड़का चाहिए डिसाइड कर लो, बताओ एज योर विश क्या चाहिए? किस्मत में मिलता है, जो किस्मत में होता है ना वो मिलता है। जो अगर लड़की मिल गई, अगर लड़की मिल गई तो क्यूट सी प्रॉब्लम, वो ये सब बाद में सोचेंगे। अरे बेबी बाद में क्यों, शादी 4 साल बाद होगी, 4 साल में अपना बच्चा 4 साल का हो जाएगा, सोचो। वो अपने लेवल में फिर चलने लग जाएगा। मैं कल को मर गई तो कम से कम वो तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाएगा ऐसे। अच्छा वैसे मेरे बेबी हो जाएगा तो प्यारा सा, तो फिर मेरे ब्लॉग भी अच्छे चलेंगे, और भी अच्छे चलेंगे। फिर हमारी फैमिली हो जाएगी, हमारी नहीं अपनी, अपनी हाँ हमारी बहुत बढ़िया। लेकिन मतलब ये सब ये पॉसिबल है, तुम करो तो सच। अभी अपन लिविंग में रह गए, ये सब प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम है सोनी यार। पागल से बात यार, नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या बोल रही, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, प्लीज ना। तो बच्चे जैसे जिद कर रही हो, खिलाना है अभी लाके दो मेरे को। नहीं अपन चलो तो सही, अपन बेबी प्लान। हिम्मत चाहिए तेरे में, हिम्मत है हो? मैं उसका शरीर तो झेलने में, कपड़े धोने में जोर आता है, और उसको झेलेगी बाद में। और मैं उसको झेल सकती हूँ, झेल नहीं सकती, आई मीन उसको अपन इस दुनिया में ला सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपना भी वंश इस दुनिया में आए, अपनी भी औलाद इस दुनिया में आए, उसे पता तो चले कि उसके माँ बाप से लोग कितना जलते हैं, कितना जलिस फील करते हैं। लेकिन मैं ना उसके ऊपर लोगों की बुरी नजर और बुरी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, खास करके तो तुम्हारी। और क्या और बोल ले, और कुछ नहीं, बात खत्म, बोल दिया मैंने। तुम बताओ क्या चाहते हो, हाँ या ना? क्या ना? बच्चा पैदा करते हैं, चलो फालतू बकवास नहीं, बाहर चलेंगे हनीमून बनाने, चल रहे फालतू बकवास कर रही है तू, पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे होश ही नहीं है तेरे को बात करने, क्या बोल रही तू? मैंने क्या कहा, बाहर चलेंगे हनीमून पे, बेबी प्लान करेंगे, चलो चल हट यार। देखो वैसे गोवा जाने अभी नहीं, अभी गोवा वाले बीच में अभी बहुत सारा टाइम है ये सब सोच। ओ मेरा हनीमून प्लान कैंसिल मत करो। वैसे तुम्हारी काफी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें हन्नी भी कहती थी, सो मैं तुम्हें क्या बोलूं? तू बोला कर वीर ओनली फॉर वीर सम्राट जी, ठीक है ना? वीर सम्राट जी ये वाइफ वाली फीलिंग्स आ जाएगी तो और भी अच्छा होएगा। तो अपना अपना बेबी अपना हाथ में अंगूठा मत मरोड़ मारो, फिर तन पत्तो नहीं अंगूठा में लागोड़ी है हमारे, फिर इके लुमरी मोड़ बाय खतर। हां यार कोई आई के मोड़ वाले, चल इसको काट के अपनी जेब में डाल ले। हां ठीक है ठीक है, चार उंगली वाले आदमी। अभी है ना सुन, अभी सुन नहीं सुनो, अभी है ना बच्चा संभालने वाली खुद ही एक बच्चा। अरे यार प्लीज यार समझो, मैं 21 साल की हो गई हूँ, मुझे ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा दुनिया में आए अपना दोनों का। तो 21 साल की हो गई? यस। किसने बोला? ये मैंने बोला है। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी है। और तुम चलो ना प्लीज, मैं चाहती हूँ अपने बच्चे का जन्म भी अपने जून में ही हो, 9 महीने। 9 महीने तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, बच्चे 9 महीने बाद ही क्यों आते दुनिया में? चल रखना, उसे 9 महीना पेट में क्यों रखना पड़ता है, मेरे तो समझ ही नहीं आता है। तेरी हिम्मत है? हाँ हिम्मत है तेरे में? तुम्हारे अंदर के है क्या इतनी हैसियत कि तुम मेरे को 9 महीने तक संभाल सको, मेरी और तुम्हारे बच्चे की परवरिश कर सको? एक माँ ही होती है, और अभी तू बच्ची है खुद है। मैं एक माँ बन सकती हूँ, क्या मान ले समझो ना इस चीज को, इतनी कैपेसिटी की मैं माँ बन सकती हूँ। तुम्हारे अंदर है इतनी कैपेसिटी कि तुम मुझे तुम्हारे बच्चे को संभाल सकते हो? अरे फालतू बकवास मत कर, बकवास नहीं कर रही हूँ, हनीमून प्लान करते हैं। सड़क पर तो नहीं मिलना छोरी छोरी, सड़क पे नहीं मिलते हनीमून, मेरी बात सुनो, हनीमून प्लान करते हैं। बाकी मैं आज पता लग गया कि गांव की गवार ही हुआ करे कहीं, और तू भी गवार जान की बातें कर रही है आज? मैं कोई गवार ववार नहीं हूँ, ठीक है ना? हाँ इतने टाइम तक तो सुना है लोगों के मुंह से कि भाई गांव, मेरी एक फ्रेंड है उसकी मम्मी नर्स है, ठीक है? उसकी मम्मी ने बोला बेटा गोवा की टिकट करवा देती हूँ, तुम दोनों के आराम से जाओ। वहाँ क्या, गोवा चलेंगे हनीमून बनाएंगे, हनीमून ही है, चल उसमें अपने बच्चे की भी प्लानिंग कर लेंगे। कर दूंगा प्लानिंग सब एक मिनट यार, बेबी प्लीज ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? अपन अपने बच्चे की प्लानिंग करते है ना, तुम क्या चाहते हो? अच्छा मैं क्या चाहता हूँ? हाँ तेरे को बताना जरूरी है या पागल जी सब करिए, लोग देख रहे हैं, चलते हैं, लोग देख रहे हैं, उनको देखने दो। अपन बात कर रहे हैं सीक्रेटली, बात कर रहे हैं, अपन किसी को बता नहीं रहे कि अपने बीच में क्या बात हो रही है। तुम बताओ राजी हो या नहीं हो, बता किस चीज में? बेबी प्लान करने में नहीं, अभी मैं खुद एक बच्चा हूँ। 24 साल का तो हो गया है। किसने बोल दिया 24 साल को गया? निकाल दे काम का, निकाल देना। सॉरी ना, गलती से निकल गया ये। क्या गलती से निकल गया? सोगले यार बेबी, देखो ये फालतू की बातें बीच में मत ले कराओ, फाइनल डिसीजन बताओ अपना क्या है। मैं इस लाइफ में अपना बेबी लाना चाहती हूँ, और मुझे बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बात खत्म, मुझे बच्चा चाहिए। तेरी माँ को पूछना जाके पहले कि भाई मैं, हाँ तेरी माँ क्या बोलती है, शादी कर ले पहले, समझी ना? तो तू करना शादी, अभी शादी कर, कल हनीमून पे चलते हैं ना, तेरे अंदर भी इतनी है होनी चाहिए हिम्मत, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस, इतनी हिम्मत है तेरे अंदर, मुझसे काम कर, मेरे अंदर घुस जाना पूरी की पूरी तू। हां मैं खड़ी जाना साइड में, क्या दिक्कत है मेरे ऊपर क्यों आ रही है? चले यहाँ से चलते हैं, जा रहा हूँ मैं। पागल जैसे बातें कर रही है सोनी, ये कोई बातें करनी होती है यहाँ पे?
और इसलिए बुलाया तूने मेरे को यहाँ पे? हाँ हद होती है यार, चाहिए इसको दो बच्चे तो तीन दे दे, दे सकता दे दे है। कैसी बातें करी यार तू? मजाक कर रही हूँ। क्या मजाक करी है? चलो ठीक है, अपन हनीमून पे तो चल सकते हैं ना। कौन सी हनीमून? वहीं पे बात कर लेंगे, जो भी बात है वहीं पे करेंगे। मैं नहीं चलने वाला तुम्हारे साथ। यार क्यों नहीं चलना चाहते? मुझे इस चीज का जवाब दो। मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं सोचू बर्थडे से पहले एक हनीमून प्लान करते प्यारा सा। हनीमून प्लान करते प्यारा सा को तारो ब्याह हो रही क्यों मारो? जो नाटक कर रही है लिविंग में रह रही है हमारे साथ, कभी कभी आवा घर तू भी। तो इसका मतलब क्या है? बाकी तारा कर रहे हो तू तो इसका मतलब कि अपन हनीमून प्लान नहीं कर सकते, यही मान लो। और मेरा फोन क्यों लेकर आई तू? अपन टूर पे चल रहे हैं, ये मैं लेकर आ गई। क्यों नहीं ला सकती तुम? मेरे फोन से, मेरे आईफोन में फोन कर रही है, कैसी लड़की है? फोन नहीं कर सकती मैं तुम्हारे को, देख रही थी मैं तुम कॉल उठाते हो नहीं उठाते हो, बल्कि तुम यार को मैंने मेरे नंबर से किया, तुमने उठाया ही नहीं था। और हो गया तुम्हारा बेबी प्लान? चले हो गया, चलो प्लान तो हुआ ही। एक बच्ची है, मेरे को ये खाना है वो खाना है, चाउमीन खाना है वो खाना है। तो मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या ये कह के? माँ कभी ऐसा करती है? तो कौन सी करती है? अरे जब औरत है ना बच्चों जैसी हरकतें करती है और उसकी लाइफ में एक बच्चा आ जाता है ना, तो उसको पता रहता है कि ना माँ बनना कितना पॉसिबल चीज होती है। हाँ तुम्हें क्या पता तुम बाप तो ना बने हो? कभी 20 साल की टाबर है, मैंने देखा है बच्चों को पैदा होते हुए, उनको बड़ा होते हुए। मेरी सिस्टर की 5 बच्चों को संभाला है मैंने। तूने संभाला? यस मैंने भी संभाला, ठीक है ना। किसको संभाला तुमने? रोहित के, मेरे वो मेरी सिस्टर। तू खुद ही एक टावर है, सिस्टर के बच्चे खुद ही एक टावर है। गांड धोनी पड़ती थी मेरे को, तू खुद ही एक टावर है। गालियां मत बक पहले, ठीक है ना? गालियां नहीं बक रहा हूं मैं, बच्चा है उसके पिछवाड़ा धोना पड़ता, टट्टी साफ करनी पड़ती थी उसकी। कर लेगी तू साफ? हो मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल के रखूंगी, रोज उसकी वो चौकोर के लेके पोतले होते हैं उसमें चरक देते हैं वो, फिर उसको साफ करना पड़ता है। पूरी रात रोते हैं वो, अपन डिस्कस करते हैं इस बारे में। चलो किस चीज में बारे में? यही बोल जो बच्चा कैसे संभाल, और मेरा मुंडा मुझे एक काम कर, बच्चा कैसे संभाल उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तुम कहाँ जा रहे हो? जाऊंगा नहीं कि तो अपन बच्चा डिस्कस करते हैं ना, बच्चे को कैसे संभालना है, बारी बारी से संभालेंगे, लिविंग में रहेंगे, आधे दिन तुम संभालना आधे दिन मैं संभालूंगी, रात में तुम सोना सुबह मैं सोऊंगी, सुबह तुम संभालना रात में मैं संभालूंगी। अरे जीबो राम जाओ थारो के लिए। अरे तो क्या हो जाएगा कम से कम, वो जब चलने लग जाएगा ना। रात के सोई नहीं 12 तो आवाज आली और सुबह उठ रही आवाज आली। तो नींद मेरी आराम है, तुम्हारे तो क्या, तुम तो रही से करना अपने घर पे सोना। तू थारे कर रही बच्चे? मैं अपने बेबी को पालूंगी। तू थारे कर रहेगी? अपन तुम्हारे रूम पे मैं रह लूंगी, तुम अपने घर पे रह लेना। ओहो मेरे रूम पे तू ले लेना, मैं तो कौन रखूं रूम पे, घर पे रहूंगा मैं तो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। अभी होएगा ना घर बच्चा, ठीक है ना? थारो बच्चा ही अपना बच्चा? कौन को बच्चा? आपने धोनी को? मारो कोई बच्चा अच्छा नहीं है, मैं कोई बच्चा अच्छा नहीं दूंगा। चल यार कितना सेल्फिश लड़का है यार, सेल्फिश लड़का ही है। चल चलना तो चल, मैं जा रहा हूँ वरना करा दूला तेरा बेबी प्लान एक मिनट में। आई बेबी दो बच्चा ने संभाल भाई, टट्टी साफ करनी पड़ेगी। हाँ मैं भी अभी किसी की औलाद को संभाल रही हूँ। कभी कभी तू सोती रही तारे ऊपर ही चरक दे लो वो। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, गाली क्या बकरी तू मेरे को? यार कोई अब क्या हंस रही है, मुस्कुरा रही? चल क्यों मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ? तो चल चला। अरे मैं तो तुम्हारे ऊपर एक प्रैंक कर रही थी, मैं खुद एक बच्ची हूँ, तेरे से बच्चा मांग के क्या करूंगी, तू खुद ही किसी के टाबर है, तेरे को संभालूंगी मैं साले इतने भी। तेरे से बच्चा दूंगी क्या मैं पागल? तो खुद एक बच्चा है, मैं खुद एक बच्ची हूँ, तुझे सोचना चाहिए था कि जो बंदा मुझे उस दिन कह रहा कि बेबी मुझे बेबी चाहिए, तुझे 1000 मना कर दिया और मैं तुझसे आज बेबी प्लान करने के लिए बोलूंगी? स्टूपिड भेजा कहा है, भेजे में भेजा नहीं भेजा भगवान ने। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करना।